अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तेरे रोजे पे आवा मैं होए आरज़ू मेरी, तेरे कदमाच सिर होवे करे परवाज़ रू मेरी, तेरे कदमाच सिर रख के न जिंदगी भर उठावा मैं, चुमा रोजे दी जाली नू कदों अखियां लावा मैं, करो मंजूरियां का तेरे रोजे ते आवा मैं। तो जी ये कलाम भी माशाल्लाह से बड़ी दुनिया ने पढ़ा, लेकिन मैंने ये कलाम यहाँ बजाते खुद परवीन अख्तर बकलम खुद मैंने खुद पढ़ा है जी। मैंने मजाक किया, बकलम खुद बजाते खुद मैंने खुद अपनी आवाज़ में पढ़ा है। तो जी YouTube वालों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ 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 आपने कॉपीराइट नहीं देना, क्योंकि ये मेरी अपनी आवाज़ है, ये मेरे व्यूवर्स भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला सबको वहाँ जाना नसीब फरमाए, और जो सही मानों में जा रहे हैं अल्लाह पाक उनकी सही मानों में कबूलियत फरमाए और उनको शर्फ अता फरमाए। सच्ची सच्ची जिस तरह वो गए हैं ये वीडियोस वगैरह छोड़ के अपने रब की बारगाह में अपने आप को पेश कर दें और वहाँ वो लम्हात गुजारे, कोई पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं। तो जी इधर हम बात करेंगे सबा अहमद के। हालांकि मुझे ये आदमी निपसान, ये बहुत शोखा, बहुत होच्छा है, ये बहुत गलत उल्टी सीधी हरकतें करता है, और ये भी वही भिखारी फैमिली में से एक फैमिली है, तो बड़ा शोखा भी और बदतमीज़ भी है। जब ये कोई बात इस पर रिएक्शन देता है तो ये बहुत बदतमीज़ी करता है। लेकिन आज मैं जो इसकी मुझे बात अच्छी लगी है, मैं आज उस पर ये रिएक्शन दूँगी। आज मेरा रिएक्शन पर कि मामा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है कि ये अपने वालदैन को साथ लेके गया, ये सबसे बड़ी सआदत इसने। पहले इसने भी बड़ी कोशिश की थी, कहता था मैं घर बेच के लेके जाऊंगा जी, मदद करें। हाँ जी, पहले इसने बड़े ड्रामे लगाए, 6 माह से ये जेल दिखा रहा था, कभी ये पासपोर्ट दिखा रहा था पासपोर्ट बनवाने के, हालांकि ये कोई दिखाता नहीं था, ये बाहर निकल के खाने शाने खा के आ जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बहन भाइयों को इमोशनल किया जा रहा था, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था ये बंदा के ना मेरे वालदैन के लिए कोई ना कोई पैसे देते। तो हो सकता है जी किस तरह वसीला बन गया। और देखे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है तो फिर कोई चीज़ नहीं रोक सकती, और पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से इंसान के वसीले बना देता है। हो सकता है बहन भाइयों ने दिए, हो सकता है इनके खुद के, ये चैनल बहुत अच्छा चलता है, इन्होंने खुद बताया हम 7 से 8 लाख जो महीने की अर्निंग कमाते हैं, तो उसमें अगर अगर वालदैन को उम्रा करवा दिया तो बड़ी बात नहीं है। कहते वही कहते हैं कि एक दरिया बह रहा है तो उसमें एक चिड़िया ने अगर वो पानी का कतरा मुंह में डाल भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अगर इसको ये सआदत नसीब फरमाई है कि ये मतलब के जो है अपने वालदैन को उम्रा करा रहा है, मेरी बल्कि खुद से बड़ी ख्वाहिश है। मैं कह अम्मी मेरी ने भी उम्रे पे जाना और अम्मी कहती हम इकट्ठे जाएंगे, तो मेरी इतनी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह ताला मेरे बेटे की कमाइयों में इतनी बरकतें डाल, ढेरों ढेर, कि मैं अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक अता फरमा कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ अपनी माँ को भी लेके जाऊँ। क्योंकि सबसे पहला हक आपकी अपनी माँ का होता है, जिसने आपको जना होता है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया होता है, तो सबसे पहले माँ या बाप, फिर अगले रिश्ते बहन भाई शोहर औलाद, फिर अगले रिश्ते जुड़ते हैं। तो जी बस मुझे मैंने आज यही बात करनी थी कि मुझे बहुत पसंद आई है। बाकी आगे देखते हैं ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या गुल खिलाते हैं। कुछ लोग इनके हक में वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग इनके टॉपिक पकड़ रहे हैं। गज़ल जोरकार ने बनाई थी इसने अपने वालदे के साथ, अच्छा नहीं किया, अभी मैंने वो वीडियो देखी नहीं, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। अब आगे आगे देखेंगे, साथ साथ वो नज़ारे भी देखेंगे जो जो ये लोग जाके देख रहे हैं और हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो बस ये लोग सारे वीडियोज़ पर जोर रखते हैं, वहाँ जो कुछ भी है ठीक है, आप यूट्यूबर हैं बना लें, कभी वीडियो बना लें, एक बना लें, दो बना लें, तो पूरा टाइम देना, पूरा पूरा टाइम जिस तरह हुमैरा ने
अली वीर ने, हुमैरा ने तो बल्कि डबल डबल चैनल चलाए हैं, अपनी वालदा के भी चलाया खुद का, ये नहीं उसने किया क्लिप नहीं उसने भेजे, उसने टोटली खुद से किया है सारा कुछ। और इन्होंने भी पहली शॉपिंग स्टार्ट कर ली है, हालांकि हमें कमेंट आया हुआ था कि जब हम उम्रा करने गए थे हम आखिरी दिनों में, जब ना बिल्कुल हम हो गए थे ना फारिग और देखा था कि अब हमारे जाने का वक्त आ गया, तो जब हमने ना अपनी शॉपिंग की थी तो क्या बंदे ने शॉपिंग करनी होती, ज़्यादा ज़्यादा कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते, कुछ खजूरें आबे जमजम। और जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं जिस तरह ये सब अहमद वाले भी रो रो के हमारे पास करे, फिर लोगों ने क्या ना रोना धोना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना धोना जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वही रोना धोना डो धो कर रहे हैं डाल रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया और दे वो भी मज़े में है, जो बेचारे गरीब हैं लोगों को अपना दुख सुना के उनकी पहली बात तो कोई मदद नहीं करता, अल्लाह ताला के अलावा कोई मदद नहीं करता। अब वो बातें गई, जब कोई गरीब बेचारा किसी आके आगे रोता था तो कोई उसकी झोली में डाल देता था, नहीं अब कहते अमीर खुद कह रहे हैं कि हमारे हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं हमने किसी को क्या देना, तो वही अल्लाह के देने से पूरी पड़ती है। तो ये भी रोने धोने डाल रहे थे, तो अब देखते हैं ना कि ये क्या ख़रीदते हैं, ये भी हुमैरा की तरह गोल्ड ख़रीदते हैं कि जैन मजे खरीदते हैं या खजूरें आब जमजम क्या लेके आते हैं, तो ये पता चलेगा कि अब ये आते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अपने कमेंटों में जरूर बताना, ये मैं खुद नात पढ़ती हूँ यूट्यूब वालों को पता चल जाए जी। अल्लाह हाफिज़।